समय निकाल कर जरूर पढ़ें, छोटी मगर बहुत काम की बातें। सूर्यास्त। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी सूर्यास्त के समय किसी व्यक्ति या अपने पड़ोसियों को दूध, दही या प्याज ना दें, इससे आपके घर की बरकत रुक जाती है। खीर। हर महीने में एक दिन चीनी का प्रयोग ना कर मिश्री मिलाकर खीर बनाएं और इस खीर का सेवन अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर करें। इस प्रकार हर महीने में एक दिन इस खीर को खाने से आपके घर पर माँ लक्ष्मी की शुभ दृष्टि बनी रहेगी। फल। रोजाना फल का सेवन जरूर करें, लेकिन फलों को छिलके के बाद इनके छिलकों को कूड़ेदान में ना डालकर अपने घर के बाहर डालें, इससे आपको अपने मित्रों से लाभ की प्राप्ति होगी। कर्ज से मुक्ति। यदि आप पर कर्ज की रकम लगातार बढ़ रही है तो इसके लिए रोजाना रात को सोने से पहले अपने घर की रसोई में एक बाल्टी में पानी भरकर अवश्य रखें। पानी से भरी बाल्टी को रसोई घर में रखने से सभी दुख संकट खत्म हो जाएंगे। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बाल्टी को रसोई में न रखकर अपने घर के बाथरूम में रखें। आपके जीवन में उन्नति के नए नए रास्ते खुलेंगे। कूड़ेदान। अपने घर के कूड़ेदान को कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार के बाहर ना रखें, इससे आपके जीवन में शत्रुओं की वृद्धि होती है। अनाज व बिस्तर। कभी भी बिस्तर और अनाज को पानी से ना धोएं, इसके स्थान पर आप बिस्तर और अनाज को धूप में सुखा सकते हैं। यदि आप अनाज और बिस्तर को पानी से धोते हैं तो इससे आपके ससुराल से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वीरवार। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुएं का सेवन अवश्य करें तथा यदि संभव हो तो पीले रंग के ही वस्त्र पहने। इसके साथ बुधवार के दिन हरी सब्जियों का सेवन करें और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। इन दोनों बातों का ध्यान रखने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। झूठे बर्तन। रात्रि को भोजन करने के बाद झूठे बर्तनों को अपने कमरे में ना रखें। अगर रात्रि को बर्तन साफ करने का समय ना मिले तो इन्हें केवल पानी से साफ कर दें, इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। मिठाई। महीने में एक बार आप जिस भी कार्यालय में काम करते हैं वहां पर मिठाई अवश्य ले जाएं और इस मिठाई का सभी का साथ मिलकर सेवन करें, इससे बिजनेस में इजाफा और धन लाभ होगा। तौलिया। एक दिन पहले प्रयोग किए गए तौलिए का प्रयोग अगले दिन स्नान करते हुए ना करें, हमेशा साफ और धुले हुए तौलिए का प्रयोग करें। यदि आप रोजाना एक ही तौलिए का प्रयोग स्नान करने के बाद करते हैं तो इससे आपकी संतान जिद्दी बनती है और धीरे धीरे उसमें आपकी बातों को मनवाने की जिद बढ़ती जाती है। यात्रा। यात्रा पर यदि आप संपूर्ण परिवार के साथ जा रहे हैं तो एक साथ घर की दहलीज को पार ना करें, हमेशा घर से एक दूसरे से या एक या दो मिनट आगे या पीछे निकले, इससे आपको यश की प्राप्ति होगी तथा आपकी यात्रा मंगलमय होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने से आपका धन्यवाद।